जब से मैं कराची आके बस गया हूँ, कराची ने मुझे ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया एंड आई लव कराची। कराची ने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल, एंड आई लव कराची। ये सोचना कि सिर्फ मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकते गलत है। इफ यू थिंक दैट यू आर अ ग्रेट टिकटॉकर, देन द मोमेंट यू कम इनटू अ ड्रामा सीन द गेम इज डिफरेंट। मुझे ना शूट से ज्यादा रैंप्स पसंद है। आई थिंक बैक स्टेज इज ऑलवेज केओस। अगर आप शोबिज़ में आना चाहते हैं तो गुड लुक्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन समटाइम्स गुड लुक भी मैटर नहीं करते, बल्कि बहुत सारे लोग गुड लुक्स की वजह से ही स्ट्रगल करते हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने भी अपने गुड लुक्स की वजह से रिजेक्शन सही है। सो रिजवान अली जाफरी इज विद मी टुडे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम ऑलवेज एज गुड लुकिंग। क्या सीन था ये? उस सिनेरियो ये हुआ था कि आई वेंट फॉर अ मीटिंग, और जब वो मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा हैव आई गॉट द रोल? दे वर लाइक नो यू आर टू गुड लुकिंग फॉर द रोल। कि यू आर गुड लुकिंग तो आपके लिए आसानी है, ऐसा कुछ नहीं, यू डोंट गेट थिंग्स ईजी। इट्स मोर टैलेंट, इट्स मोर हार्ड वर्क, इट्स मोर फोकस, इट्स मोर अबाउट डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इन पाकिस्तान एटलीस्ट। फिर तो मेरे ख्याल है जर्नी स्टार्ट हुई होगी वहाँ। शुरू शुरू में जब रिजेक्शन होती थी तो मुझे बड़ा, मैं उदास हो जाता था। उसके बाद आई हैव लर्नड ओवर टाइम दैट अगर आप फेल हो गए, अगर आप बैठ जाएंगे और एज अ लूजर अपने आप को फील करेंगे, देन यू आर एक्चुअली अ लूजर। एक्टिंग में आने से पहले और भी दो तीन चीजें हैं जिससे आप घूमते घामते फिर एक्टिंग तक आए। सो पहले थिएटर से हम स्टार्ट करते हैं ना, कि एक्टिंग का शौक जो था आपको शुरू से ही था या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ? I think एक्टिंग का कह सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही फिल्म्स देख रहे थे तो पता था कि एक्टिंग कोई चीज़ होती है। मॉडलिंग का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मॉडलिंग कोई चीज़ थी। एक्टिंग का इस तरह हुआ कि एक ऑडिशंस हो रहे थे जिसमें उन्होंने डांसिंग के ऑडिशंस लेने थे, एक्टिंग के ऑडिशंस लेने थे, एंड आई थिंक सिंगिंग भी था उसमें। सो इट वॉज अ थिएटर, तो उसके लिए मेरे दोस्त ने मुझे बोला, तो रिजवान बेग जो डिज़ाइनर हैं वो डायरेक्टर थे, एंड ही सिलेक्टेड मी। एंड फिर वो इस तरह हुआ कि दो महीने हमने थिएटर की रिहर्सल की। द शो, द थिएटर दैट वी वर परफॉर्मिंग वाज अनारकली, जिसमें नुमान एजाज अकबर बादशाह थे, मुसर्रत मिसबा जोधा भाई, एंड जोधा अकबर, सॉरी। उसके बाद देयर वाज, आई वाज प्लेइंग तानसेन। Okay. Yeah, I got to play Tansen. I had really long hair. Okay. So I got to play Tansen, Anokha Ladla, Bharat Khelanu Mange Jan. LA में perform किया, वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी थे वो भी आए, गोरे भी आए। Hillary Clinton, न्यूयॉर्क में जब हमने perform किया तो Hillary Clinton and मुशरफ साहब आए देखने के लिए। फिर उसके बाद लंदन गए हम लोग perform करने के लिए उसी show को, and it was a big success. उसके बाद से I think मुझे इसलिए काम छोड़ना पड़ा, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग देन। फिर मेरी पढ़ाई वगैरह भी चल रही थी, मैंने MBIT किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेजर मेरा मार्केटिंग है। तो मैंने कहा या तो बेटा पढ़ लो या फिर ये कर लो। तो पूरी फैमिली हमारी पढ़ी लिखी है, सिस्टर्स अ डॉक्टर, मेरा भाई IT में है, उससे छोटा भाई IT में है, अम्मी लेक्चरार हैं MSc इकोनॉमिक्स। ऐसे लोगों में आप कैसे फिट हो गए? एग्जैक्टली, ये मेरे पूरे खानदान में कोई मीडिया में नहीं है, तो अक्सर ही मैं कहता हूँ कि मैं पता नहीं कैसे, आई एम लाइक द ब्लैक हॉर्स ऑफ द फैमिली, मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मॉडलिंग में बड़ी इज्जत मिली, और उसके बाद फिर आई थिंक नेचुरली जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तभी मुझे ड्रामास की भी ऑफर हो रही थी, और नेचुरली आप ब्रांच आउट करते हो एक्टिंग में आफ्टर मॉडलिंग। अच्छा, होता ये कि मॉडलिंग में मेरे ख्याल है आपके पास ऑडियंस से कनेक्ट करने का वो मार्जिन नहीं होता जो आपको ड्रामास में होता है। एज एन एक्टर जिस तरह आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, आपके फैन फॉलोइंग और बढ़ जाती है। सो लेकिन क्रिटिसिज्म भी इक्वली आता है, लेकिन फिर वो ये होता है ना कि ये तो मॉडल है, इनसे एक्टिंग नहीं होनी थी, इनको डिफरेंट फील्ड पर ला के आपने खड़ा कर दिया। वो सारा कुछ भी फेस किया है आपने? बिल्कुल, ये एक अजीब एक यहाँ पे माइंड सेट है कि लोग कहते हैं कि बींग, आई थिंक प्रॉब्ली मेजोरिटी दिस हैपेंस, दैट्स व्हाई कि लोग बोलते हैं कि यार ये मॉडल होगा इसको एक्टिंग नहीं आती होगी। आई डोंट नो ये, लेकिन मैं प्रॉब्ली इसको, ये जो टैबू है ना, इसको तोड़ना चाहता हूँ, एंड आई थिंक आई प्रीटी मच डन इट, या बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई एम वर्किंग एंड आई नो दैट पीपल लाइक माय वर्क, एंड इवन डायरेक्टर्स दैट आई वर्क विद दे लाइक माय वर्क एंड दे वांट टू वर्क विद मी अगेन। ये सोचना कि सिर्फ मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकते गलत है।
बाज़ औकात ये भी होता है ना, आपके ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहाँ पे तो ग्लैमर और लुक्स बड़ा मैटर करते हैं। और एक्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन वही बात है कि जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है। आई थिंक एक्टिंग में इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर, मॉडलिंग में इट्स टोटली डिफरेंट। मॉडलिंग में यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू जस्ट हैव टू बी रोमांटिक विद द कैमरा। जितना आप कैमरा से रोमांस कर सकते हैं कैमरा उतना आपको पसंद करेगा। इसके बरक्स अगर एक्टिंग देखी जाए तो उसमें डायलॉग डिलीवरी भी आ जाती है, उसमें 10 और चीज़ें आ जाती है, लेकिन आई कॉन्टैक्ट भी आ जाता है एंड इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जैसे आप अभी टिकटॉकर्स का भी कह रही थी, आई थिंक इफ यू थिंक दैट यू आर अ ग्रेट टिकटॉकर देन द मोमेंट यू कम इन टू अ ड्रामा सीन द गेम इज डिफरेंट, द बॉल गेम इज डिफरेंट। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो मैंने इतने साल मॉडलिंग की है या मैंने इतने साल टिकटॉक पे बहुत अच्छा था एंड नाउ आई कैन एक्ट। नो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ना शूट से ज्यादा रैंप्स पसंद है। ओके, या प्रोबब्ली दैट्स व्हाई आई लाइक थिएटर एज वेल। मुझे लाइव इंटरेक्शन बहुत पसंद है। So if when I'm walking on the ramp, usually you can get that energy from the crowd and then you're like, you know, you feel like a king. You feel that, you know, you own the ramp. The whole world is watching you. That's actually a very cool feeling. Acting mein bhi yahi hota hai. Maine dekha ki acting mein when you're standing there, there's silence and sirf aap hai. Haan, I think pehle scene ki dafa to, yeah, to be honest, kaksham hai. Ab bhi rozana jab subah uthta hoon and I have to go for shoot, मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ कि डूड आई हैव टू गो एंड आई हैव टू एक्ट। हां, इट्स अ स्कैरी डे फॉर मी। दोबारा कोई ख्याल है सिंगिंग की तरफ भी? देखिए, सिंगिंग तो ऐसे हुआ कि यू समझ लें कि मैं और मेरे दोस्त चाय पी रहे थे तो मैं ऐसे ही गुनगुनाता रहता था। अच्छा। तो वो कहता है यार तुम गाना क्यों नहीं गाते? मैंने कहा मैं गाना गाऊंगा। मैं क्यों गाना गाऊँ? कहते नहीं नहीं हम ना करते हैं गाना बनाते हैं तो एल्बम बनाते हैं। तो ही टुक मी टू अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की, हमने पूरी एल्बम बनाई। मेरी एल्बम थी पंजाबी एल्बम 11 दी टोली, इट वॉन द लक्स स्टाइल अवार्ड इन 2014। या एंड दैट वाज अ बिग सरप्राइज बिकॉज उस साल मैं बेस्ट मेल मॉडल के लिए भी नॉमिनेट हुआ था और बेस्ट एल्बम के लिए। एल्बम का विन करना तो दूर दूर तक मेरे माइंड में नहीं था। मैंने कहा आई थिंक कि मुझे मॉडलिंग पे मिल जाएगा अवार्ड, और जब इन्होंने इस पर मुझे अवार्ड दे दिया था, आई वाज ब्लोन अवे। तो उसके बाद मैंने शोज़ वगैरह किए, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक जो चीज़ आपका पैशन होता है आपको उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसी को ही आगे लेके चलना चाहिए। एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लव, मैंने जैसे आपको बताया, एंड इट गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी अ किक। अच्छा, बैक स्टेज कोई मोमेंट जो आपको बड़ा याद रहा हो? क्योंकि रैंप पे हम देखते हैं ना अक्सर मॉडल्स गिर जाते हैं, बड़ी फनी चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो कोई ऐसा कभी हुआ है? आई थिंक बैक स्टेज इज ऑलवेज केओस। कोई उधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रही होगी, कपड़े रह गए, झूले गिर गए, कुछ हो गया। कपड़ों के अंदर भी लड़कियों के लिए वैसे ही ज्यादा हेक्टिक है, क्योंकि स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ ब्राइडल शो तो फिर उनके जो ज्वेलरी होती है वो एक संभालना, फिर वो कभी कोई लहंगे पे पाँव आ गया तो लहंगा फट गया, कभी कुछ हो गया, तो इट्स केओस। आई रिमेम्बर ये अभी शो में तो नहीं, फैशन शो में तो नहीं, जो हमने थिएटर किया था ना यूएस में, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था कि उधर हमारे पास जो प्रॉप्स थे, वी यूज टू मूव द प्रॉप्स। Okay. जब कर्टन्स क्लोज होते थे नेक्स्ट सीन के लिए तो वी यूज टू मूव द प्रॉप्स एंड देन वी यूज टू गो एंड चेंज एंड देन कम ऑन स्टेज। तो वो प्रॉप्स मूव करते करते तो वन ऑफ द गर्ल्स हु वर द डांसर्स, शी बैंग्ड हर फुट ऑन द मिरर, बकायदा खून बह गया सारा खून। उसके बाद जल्दी से हमने पट्टी की और इसको फिर बांधा कस के, और फिर शी डांस विद दैट फुट। सो मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, मगर द शो मस्ट गो ऑन। जाहिर है, वो तो फिर आप जब एक दफा आपने किसी चीज के लिए खुद को असाइन कर दिया है, फिर तो आपने चाहे आंधी तूफान हो, हम लोग मीडिया वाले जो लोग हैं ना बड़े रफ टफ हो जाते हैं, इसीलिए हमारी कोई जिंदगी जिंदगी ये मेरे बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। हमें लोग इनवाइट भी कम करते हैं, कहते हैं तो आएंगे रात को 12-1 बजे घर पे हमारे। जब आप ऑन अ रेगुलर डे अगर कोई इनवाइट होता है डिनर वगैरह का, तो मैं तो कहता हूँ 11-12 से पहले मैं नहीं आ सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो मैंने कहा आप लोग शुरू कर लिया करें। वो जो एक चांद रात वाली फीलिंग होती थी ना कि मैंने सुबह अपना नया ईद का ड्रेस पहनना है, वो वाली एक्साइटमेंट अभी होती है, मेरे डिजाइनर ने मेरा ड्रेस भेजा। नहीं, आई थिंक क्योंकि ये जो डिजाइनर वाला जो मसला है ना, मैंने आपको बताया ना कि लड़कियों में ज्यादा होता होगा, हम लड़कों का बड़ा सुकून होता है शलवार कमीज। हाँ,
हमारा 3 दिन पहले आ जाते हैं कपड़े मेल में आ जाते हैं, हम सुकून से इस्त्री करके लटका के सुबह। लेकिन अब तो देखें आपको, लेकिन 100 रुपए वाले बाल नहीं कटवाने पड़ते हैं, है ना, वरना वो नाई की दुकान पे रश। तो बड़े हो गए, बड़े हो गए। अगर ये पहले तो प्याला कट भी होता था। पूरा यहाँ से शेव होता था, करवाया आपने? वो गलतियाँ हम सभी करते हैं। चले इसको हम कहीं और फिर कभी डिस्कस करेंगे, गलत हो जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दादल, ये आप जो हीरो नजर आ रहे हैं इसमें, ये पहले तो बताएं कि आप तक ये मामला पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा? हाँ, ये एक समझ लें कि ऐसे ही रैंडमली आई जस्ट मैसेज नेहा, नेहा के साथ मैंने एक म्यूजिक वीडियो पहले किया हुआ था जिसमें वो डायरेक्टर थी, तो आई मैसेज नेहा बिकॉज शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड शी वाज लाइक किधर हो तुम? मैंने कहा मैं घर पे, मेरा डे ऑफ था। कहती जल्दी से आओ ऑफिस आओ। मैं चला गया उसके ऑफिस एंड शी वाज लाइक ओह आई एम मेकिंग दिस फिल्म और ये वाला कैरेक्टर तुम कर रहे हो। मैंने कहा वाह यार, मैंने जितना मुझे रफ सा पढ़ सकता था जल्दी। कहती बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है, यूं है, बॉक्सर है, स्नूकर खेलता है, बैटिंग करता है, शूटर है, फाइटिंग आती है तुम्हें? मैंने कहा लो जी, मैं तो बचपन से स्पोर्ट्स खेलता हूँ, यही करने के लिए आया, मैं आया इसीलिए था एक्शन हीरो बनने के लिए। मैंने कहा हाजिर। तो फिर उसके लिए वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड शी एक्सप्लेन टू मी द होल कैरेक्टर। फिर अबू अली बैठे हुए थे, उनके साथ भी कैरेक्टर वगैरह डिस्कस किया। नेहा ने बोला कि तुमने प्यारा नहीं लगना, और फिर बॉक्सिंग भी बिल्कुल वो करता है जो टिपिकल लियारी में बॉक्सिंग की जाती है। सो वो फिर हमने वहाँ के जो फाइट कोरियोग्राफर्स थे उनको हायर किया, और उन जिस स्टाइल से वो वहाँ पे बॉक्सिंग करवाते हैं वो बॉक्सिंग का स्टाइल सीखा सारा। तो इट्स बीन अ वेरी फन एक्सपीरियंस एज वेल एज अ लर्निंग फॉर अस। मेरे लिए सरमद इसलिए भी नहीं आया क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले किया। मैंने हमेशा गुड बॉय, जो जैसे मैं आपको बता रहा था, मुल्क से बाहर से आता है जी, और लड़की को डैमसल इन डिस्ट्रेस को सेव करता चला जाता है। ये वाला कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, ये थोड़ा समझने के रिजवान अली जाफरी आपको, जहाँ पे ये पूरा इवेंट हो रहा है इट्स बेसिकली इन लियारी दादल। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो वही वहाँ की टिपिकल लोकल लैंग्वेज है, और वही हमें उसी अंदाज में बोलने के लिए हमें एक समझ लें कि वोकल जो कोच होते हैं उनको हायर किया हमने, जो कि वहाँ पे सेट पे मौजूद होते थे, वो हमें स्क्रिप्ट हमारे साथ बोलते थे, पहले वो बोलते थे और वो हमें बताते थे कि इसको ऐसे बोलना है, तो फिर हम उस तरह बोलते। मज़ा आया ये डिफरेंट लैंग्वेज ट्राई करके। अपन करके हम बात कर रहे हैं, अपन, अबे तेरे को क्या पता ये, मतलब इस तरह हम कहाँ रियल लाइफ में बात करते। तो दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अब हम एक छोटे से रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसको हम रैप अप करेंगे। सो तैयार हैं रिजवान? जी जी बिल्कुल। रैपिड फायर के लिए आप, योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। लाल घगरा। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? आई थिंक नुसरत साहब, नुसरत अली खान साहब, अमेजिंग। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? मैं बच्चा होता था तो वो इंग्लैंड में रहते थे हम लोग, तो जो शॉप्स होती थी ना वहाँ पे, मुझे नहीं आइडिया था, बच्चा था, वो एक टैग सा लगता है जिससे ना अगर आप किसी उससे गुजरते हैं ना दरवाजे से, बीप 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 करता है। मैं अपनी तरफ से शर्ट बच्चों की तरह छुपा के ना जेब में लेके जा रहा हूँ, और बाहर निकला बीप 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 बीप, बहुत शर्मिंदगी हुई माँ बाप को मेरे। मैं तो चलता हाँ ले ली शर्ट। होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्टर? आई थिंक चार्ली सेरॉन। ओके। One best memory after the success of your last project, कोई भी? मैं जॉगिंग कर रहा था और मुझे याद है कि पीछे से एक आवाज़ आती है। अच्छा, मेरे कैरेक्टर का नाम भी रिजवान ही था उस ड्रामे। अच्छा। तो मैं भाग रहा था और पीछे से आवाज़ दी रिजवान। मैंने पीछे मुझे देखा, पता नहीं कौन, मैं फिर आगे भाग रहा हूँ, फिर आवाज़ आई रिजवान। तो मैं रुका तो इतना सा बच्चा आया भागता हुआ, कहता आप रिजवान है ना, आप मोहब्बत जिंदगी में आए थे? मैंने कहा हाँ। तो दैट इज सो क्यूट। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? आई डोंट थिंक दैट आई वुड वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट मायसेल्फ, नो। अपने फोन पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं नॉर्मली? ओह अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप मेरा स्क्रीन टाइम देखेगी ना तो आई थिंक इट हैज टू बी 24 आवर्स में आई थिंक 10 आवर्स तो होगा। वाओ। या ऑलवेज ऑन। वन थिंग जो हम दोस्त करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक बास्केट रखते हैं जब हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो सारे दोस्त मिलके मोबाइल फ़ोन उसमें डाल देते हैं,
जिसका खाना खाने के बाद फोन बजेगा और वो उठाएगा, मतलब हाँ. खाना खाने खत्म होने से पहले जिसने अपना फोन उठाया, इसका ना पे द बिल, आई डोंट पे द बिल, नो आई टेल यू, सेफ साइड चल रहे हो, नहीं नहीं छोड़ो, इसका मजाक नहीं रखा. कराची और लाहौर, ओह गॉड, ये पहले भी सवाल पूछा गया, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, मैं एक मिनट इसका जवाब देने लगूं, ये देखिए लाहौर कराची, यस. अब मैं देखिए मैं रोक नहीं सकती अपने गेस्ट को कि ये नहीं चलने वाला है, इट्स लेकिन okay. लेकिन हमारी मूवी में गाना है खून है कराची का, एंड आई लव दैट सॉन्ग, क्योंकि उसमें बहुत रियलिटी के वाकई, जब से मैं कराची आके बस गया हूँ, कराची ने मुझे ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया, एंड आई लव कराची. कराची ने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल, एंड आई लव कराची. कॉफी और चाय? कॉफी. बिरयानी और निहारी? दोनों नहीं लेकिन बिरयानी. या बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं. हाँ, लेकिन दोनों मुझे, दोनों मैं नहीं खाता. अच्छा, बिरयानी की प्लेट में आपको दूं, निहारी की प्लेट आपके सामने रखूं, आप कौन सी प्लेट के ऊपर? मैं बिरयानी खाऊंगा बस, ठीक है, बिरयानी. ओके. मैं वैसे डाइट के लिहाज से कह रहा था ना, मैं बिरयानी नहीं खाता यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों नहीं. ओके. अम्मा से ज्यादा करीब है या अब्बा से? आई थिंक आई वॉज मोर क्लोजर टू माई डैड. ओके. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? ओ, मॉर्निंग पर्सन. देसी आउटफिट और वेस्टर्न क्लोथिंग? ओ यार, ये मुश्किल सवाल करती है. अब ये ना कहिएगा मैं दोनों में अच्छा लगता हूं. नहीं, दोनों ही अच्छे होते हैं. लवली टॉकिंग टू यू रिजवान, बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई विश हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते, थोड़ा और हमें टाइम मिल जाता, लेकिन बातें रह जाती हैं तो फिर बातें आगे करने के लिए मिल जाती हैं, मिल जाती हैं. तो ज़रूर फिर हम आपको दोबारा कैचअप करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो किसने इस कैरेक्टर को कितना इन्जॉय किया, और सरमद की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मैं कुछ पूछना भूल गई हूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. दिल दान अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.